वेलकम टू ब्राइट एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आप सभी का ब्राइट एजुकेशनल कंसल्टेंसी में स्वागत है। अभी इस वीडियो में देखेंगे नीट का हॉल टिकट किस तरह से फिलअप करना है और उस पर क्या क्या चीज़ें आपको पेस्ट करनी है और उसके साथ में आपको क्या एग्जामिनेशन में लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है नीट की, NEETNTAonline.in। इस वेबसाइट पे आप लॉग इन करके आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप सबमिट करने के बाद आपको आपका नीट का हॉल टिकट वेबसाइट पे दिखेगा। और ये वेबसाइट के ऊपर जो आपको हॉल टिकट दिख रहा है इसमें आपके पूरे पर्टिकुलर्स है, आपका रोल नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और उसका स्टेट कौन सा है एलिजिबिलिटी का, और उसकी फोटो है यहाँ पर और सिग्नेचर है कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म में इन्होंने सिग्नेचर दिया था। तो यहाँ जो प्रिंट बटन आपको दिख रहा है इस प्रिंट बटन से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ सेव कर सकते हो या इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। याद रहे कि आपका नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हॉल टिकट है, इस हॉल टिकट में 3 पेजेस आएंगे, पहला फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। फर्स्ट पेज पे आपका हॉल टिकट है, सेकेंड जो पेज है आपका इसमें 4x6 का आपका फोटो पेस्ट यहाँ पर करना है। तो अब इसमें फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है ये देख लेंगे हम लोग पहले। तो क्लियर रहे कि 3 पेज का ही आपको निकालना है, अगर 4 पेज का हॉल टिकट आपका आ रहा है तो पेज सेटिंग करके उसको चेंज कर ले। तो ये जो आपके हाथ में हॉल टिकट दिया जा रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट या कलर आप कोई भी प्रिंट निकाल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर ही चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हो। तो सबसे पहले ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको कैंडिडेट का फोटो पेस्ट करना है, वही फोटो पेस्ट करना है जो फोटो आपका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने लगाया है, अपलोड किया है, वो फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ये रेड बॉक्स जो दिख रहा है बीच वाला जो बॉक्स है इसमें आपको कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लेना है। क्लियर रहे कि ये दोनों चीजें घर से आपको करनी है, ये एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं करना है, ये आपको घर से कर कर लेकर जाना है। इसके बाद आता है थर्ड बॉक्स जहां पर कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा। तो ये जो सिग्नेचर है कैंडिडेट का, ये सिग्नेचर एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा था वैसा ही सिग्नेचर कैंडिडेट को करना है। और ये सिग्नेचर आपको ऊपर दिख रहा है कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह पर, सेम यही सिग्नेचर करना है, लेकिन ये एग्जामिनेशन सेंटर में इनविजिलेटर के सामने आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद सेकंड पेज पे हम लोग आ जाते हैं, जो सेकंड पेज है 4x6 का यहाँ पर फोटो पेस्ट करना है। ऐसा हो सकता है सामने की फोटो में या यहाँ की फोटो में आपको जो बॉक्स दिया है उससे बॉक्स बड़ा होगा और फोटो छोटी होगी, या फोटो छोटी होगी और बॉक्स बड़ा होगा, या फोटो बड़ी होगी और बॉक्स छोटा होगा। तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फोटो को यहाँ से वहां से काटने की जरूरत नहीं है, आप जैसे आ रही है वैसे वहां पर पेस्ट करके आप ले जा सकते हो। साइड का वाइट बॉर्डर है नहीं दिख रहा है ठीक है, लेकिन ज्यादा फोटो को कट मत करो, जैसा आ रहा है वैसा आप यहाँ पर पेस्ट करो और उसके बाद आप फोटो को ले जा सकते हो इस हॉल टिकट को, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इनविजिलेटर का सिग्नेचर है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में होगा। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में होगा, और फोटो के ऊपर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर करना है, वो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में इनविजिलेटर के साथ करना है। मतलब घर से आपको क्या करके ले जाना है, फर्स्ट जो पेज है उस पेज के ऊपर, ये जो फर्स्ट पेज है आपका इस पेज के ऊपर एक फोटो पेस्ट करनी है, एक थंब इम्प्रेशन लगाना है, और इसके बाद में ये जो बड़ी फोटो है 4x6 की ये यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये 3 ही चीजें आपको करनी है हॉल टिकट के ऊपर, और इस तरह से फिलअप करके आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना है। ये जो आपका थर्ड पेज है ये इंस्ट्रक्शन का है, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद आगे के वीडियोस में रहेगा कि आपको नीट एडमिशन कार्ड के साथ, अब इसके आगे कंटिन्यू कई सारे वीडियोस हमारे आएंगे जिसमें रहेंगे, सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि आप नीट एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या ले जाना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे। सेकेंड नंबर थिंग इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका एग्जाम जो OMR शीट होती है एग्जामिनेशन में, वो किस तरह से फिलअप करनी है, डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, और उसके बाद आता है आएगा आपका ड्रेस कोड की इंफॉर्मेशन। तो ऐसे 3 से 4 फिर आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। और एक चीज है जो कि एग्जामिनेशन में AI के बेस्ड आपका स्कैनिंग होगी, AI के बेस्ड आपके कैमरे रहेंगे जिससे आपका चीटिंग वगैरह नहीं हो सकेगी। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आगे के वीडियोस में हम लोग डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर देने वाले हैं। थैंक यू।